All right, hi everyone, good morning. Yeah, hi Sayam, good morning Sardesh, good morning Vithmesh, hi Harsh, hi Ishan. इसके पहले आप लोगों का क्लास था? हाँ बोलोगा तुम सर, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के लिए वेकेंट शेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं ना। हाँ तो फिर उसके अंदर शेल्स के अंदर ये मतलब एल्यूमिनियम का था ना, तो फिर हाँ उसके अंदर कोई सारे फ्री रहेंगे तो फिर इस्तेमाल कर सकते हैं ना। कोई एक के अंदर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, मतलब जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, कोई इसके अंदर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन होना पड़ता है क्या वो बाकी के दो शेल इस्तेमाल करने के लिए? नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है. दैट इज व्हाट आई सेड, दैट इट इज द ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन. एंड तो उसी फिर हम में फ्री वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कोई अभी हम लोग नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ये करते हैं ना, एक एक निकाल के डी में डालते हैं ना, तो फिर सिर्फ डी इस्तेमाल कर सकते हैं खाली वाले की बिना इलेक्ट्रॉन्स को वहां डाल के? हाँ, मतलब ओके. सो जैसे फॉर एग्जांपल, से दिस वाज द हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल दैट वी डिड. ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल यू आर सेइंग कि लेट्स से आई वुड वांट टू से एक्सप्लेन SF6, है ना. SF6 में अभी कैसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है? 2s2 3 2p4 3s2 3p4 और 3d में कुछ भी नहीं है ना. हाँ अब मैं पहले बोल सकता हूँ कि पहले इनको हाइब्रिडाइज करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं. मतलब मैं पहले भी बोल सकता हूँ कि इनको हाइब्रिडाइज करो और बाद में बोल सकता हूँ कि एक्साइटेशन वगैरह करो. अच्छा सर, वो द थिंग इज दैट दिस इज नॉट यू नो समथिंग विच वी कैन एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट ऑल्सो कि ये कैसे हो रहा है. पहले एक्साइटेशन हो रहा है फिर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, या पहले हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है फिर एक्साइटेशन हो रहा है. लाइक वी कांट एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट बिकॉज दिस हाइब्रिड स्टेट इज अ थियोरेटिकल लाइक प्रेडिक्शन फ्रॉम आवर साइड. मुझे लगा कि सर वो अभी डी वाला इस्तेमाल करने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, फिर ही पूरा वेकेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं थैंक। है. All right. So, coming back to our discussion for the day, did you guys get a chance to do the homework? इसके पहले जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, क्या आप वो होमवर्क अटेम्प्ट कर पाए हो? अच्छा, नॉट येट. ठीक है, तो टेक आउट सम टाइम एंड प्लीज इंश्योर दैट आप वो होमवर्क कर रहे हो, बिकॉज अगर आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर सी बॉन्डिंग ऐसा चैप्टर है जिसमें रिविजन जरूरी है, और वो रिविजन जस्ट नोट्स पढ़ के करोगे तो फिर भूल जाओगे. साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहोगे, अप्लाई करते रहोगे, तो इट विल बी अ मच मच बेटर अप्रोच टूवर्ड्स वर्किंग विद सम विद चैप्टर्स लाइक दिस. बिकॉज समहाउ क्या हो जाता है दैट इसमें क्लास में मैं आपको डेफिनेटली एग्जांपल्स प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बट हर क्लास में कुछ ना कुछ नया 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 पढ़ते जा रहे हैं हम लोग. एंड व्हाट इज हैपनिंग इज दैट समटाइम्स स्टूडेंट्स मेक दिस माइंडसेट कि चलो थ्योरी तो है, बाद में रट्टा मार लेंगे. ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है और अप्रोच समझनी है. लाइक दे आर इन दिस वे कि चलो करते जाएंगे बाद में देख लेंगे, एमटी के पहले आएगा. तो मतलब दैट इज नॉट अ राइट अप्रोच. ठीक है, बॉन्डिंग इनफैक्ट अभी ऑर्गेनिक में भी आप लोग पढ़ ही रहे हो तो यू वुड हैव अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन्स, राइट. चैप्टर का स्टार्टिंग से रिविजन करते हुए चलोगे सो काम चल जाएगा, आगे अच्छे से हो जाएगा. ठीक है. हाँ, इस वीकेंड एक्चुअली मुझे थोड़ा सा काम था, सो आई एम नॉट अवेलेबल. दैट इज वाई आप लोगों का इस हफ्ते डाउट लेक्चर नहीं लगा है. सो डेफिनेटली हम लोग नेक्स्ट वीक उसके लिए कोप अप करेंगे. इस वीक आई एम अ लिटिल टाइट ऑन शेड्यूल, आई हैव सम अदर कमिटमेंट्स एज वेल. नाउ कमिंग बैक,
लास्ट क्लास में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन कर रहे थे, एंड उसी के कंटिन्यूएशन में छोटा सा टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूँगा, विच वॉज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। नाउ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला इज समथिंग विच विल बी ट्रिकी। सो यहां पर नोटिस करना, वी डोंट यूज स्टेरिक नंबर। To determine hybridization of central atom, what do we use? We use experimental knowledge. Of geometry. of the species, जिस भी स्पीशीज के बारे में हम लोग बात करें, जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आएगी उसकी ज्योमेट्री से हम लोग ये वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे, राइट? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिफोर आई प्रोसीड इन एक्सप्लेनिंग यू, यहाँ पे आप लोग नोटिस करना, जैसे ऐसे रफ में यहाँ पे मैं एक बार करके दिखाता हूँ आपको, मैं आपसे CF3 रेडिकल क्या हो गया, लाइक CF3 में कार्बन के ऊपर यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एंड इसके लिए आई एम आस्किंग यू दैट CF3 रेडिकल का शेप या ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर आप प्रिडिक्ट करके बताओ यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दैट वी हैव स्टडीड। तो आप क्या करोगे कि ठीक है चलो पहले इसका हम लोग लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो लुईस स्ट्रक्चर को जिस तरीके से रहेगा, इन विच वी विल हैव 3 बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर नहीं है, लाइक वी हैव एन ऑड इलेक्ट्रॉन, राइट? इस तरीके से आप सोचोगे। अब इसका मतलब मैं स्टेरिक नंबर क्या लूं? What should be my steric number? Either it should be 3 or it should be 4, because मैं तो confuse हो गया हूँ, क्योंकि steric number was sigma bonds, right? जो ये bond pair है उसको मैं sigma bond बोल देता हूँ, was sigma bond 3 थे, and steric number सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर नहीं है ऑड इलेक्ट्रॉन, तो स्टेरिक नंबर या तो 3 या तो 4 होगा। तो अब एज पर स्टेरिक नंबर 3 मैं क्या बोलूंगा, दो केस हो गए ना मेरे पास में, एंड दोनों के हिसाब से सोच लेते हैं। तो एज पर स्टेरिक नंबर 3 मेरा थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब कार्बन के अराउंड ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट रहेगा, राइट? सो कैसा रहेगा, कार्बन का एक एस और दो पी ऑर्बिटल मिलकर हाइब्रिडाइज होकर ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेंगे, और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे किस किस के साथ में, 3 फ्लोरीन के साथ में, राइट? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर लिखेगा, और जो एक बचा हुआ ऑड इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में रहेगा, प्योर पी ऑर्बिटल में, राइट? एक प्योर पी ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है? और उसकी, क्योंकि ये प्योर पी ऑर्बिटल में है, राइट? तो ऊपर का लोब और नीचे का लोब सिमेट्रिकल है, बिकॉज प्योर पी ऑर्बिटल में है, यानी कि इसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ऊपर भी रहेगी नीचे भी रहेगी, तो रिपल्शंस कैंसिल आउट करेंगे एंड ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर जस्टिफाइड रहेगा।
ठीक है, 120 डिग्री का, ये एक पॉसिबिलिटी आती है। ठीक है, हाँ, एक मिनट रुक जाओ सर्वेश। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आती है दिमाग में कि अच्छा स्टेरिक नंबर 4 ले लेंगे। स्टेरिक नंबर 4 लेंगे तो मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हम लोग ले रहे हैं, sp3। तो व्हाट वी आर सेइंग इज ये s के लाइक कार्बन का 2s ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, और ये सब मिलकर हाइब्रिडाइज होकर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, राइट। 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, राइट, और इन 4 में 3 पर फ्लोरीन बना दो और एक जगह पर ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। तो यहां पर क्या शेप आ रहा है, ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, ये प्रेडिक्ट कर रहा है पिरामिडल शेप, राइट। तो अब इन दोनों में से कौन सा आई शुड टेक, द थिंग इज यू कांट प्रेडिक्ट, सो दैट इज वेयर नाउ एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कम्स इन, एंड द एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कम्स इन एंड सेज दैट यस पिरामिडल इज व्हाट वी फाइंड एज द शेप ऑफ CF3 रेडिकल। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ ज्योमेट्री जस्टिफाइज दैट यहां पर पिरामिडल रहेगा, यानी कि वी कैन कंक्लूड टू थिंग्स। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वी कैन कंक्लूड बेस्ड ऑन दिस पिरामिडल एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड ज्योमेट्री, वन दैट द कार्बन विल बी sp3 हाइब्रिड, एक ही कंक्लूड कर सकते हैं, एंड उससे दूसरा कंक्लूजन भी क्या आ जाएगा दैट ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा। ठीक है, ये समझ में आया आपको, सो दिस इज वॉट वी हैव ओवर हेयर एज वेल। So, यहां पर नोटिस करना, लेट मी रिमूव दिस। सो व्हेन वी लुक एट दिस एग्जाम्पल ऑफ CF3 रेडिकल, राइट, तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 ऑड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड शेप दैट इन CF3 रेडिकल हमें पिरामिडल शेप मिलता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। एंड इससे हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं दैट कार्बन sp3 हाइब्रिड होगा, राइट, एक ऐसा तीनों पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे जिसमें से 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। सो दिस एक्सपेरिमेंटल नॉलेज ऑफ द पिरामिडल शेप इट सपोर्ट्स sp3 हाइब्रिड कार्बन। अब वैसे ही मैं CH3 रेडिकल के बारे में सोचूंगा, राइट, CH3 रेडिकल जो है इसमें भी सेम ही केस हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, बट इसका जब हम एक्सपेरिमेंटल नॉलेज से शेप ऑब्जर्व करते हैं तो इस केस में आता है दैट इट इज अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ये मिलता है हमें एक्सपेरिमेंटली मिलता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, दिस मैचेस With sp2 hybridization of carbon, कि यहां पर एक s और 2p हाइब्रिड होकर मिलकर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहे हैं जो कि 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ में, एंड जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा वो प्योर p, लाइक प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा, एंड इट्स एज पर दिस शेप। ठीक है, तो यहां पर द थिंग वॉज दैट बाई लुकिंग एट स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन वी कांट से, इट इज ओनली बाय लुकिंग एट द एक्सपेरिमेंटली यू नो ऑब्जर्व ज्योमेट्री और द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल वी कैन देन बैक कैलकुलेट एंड से ओके दिस विल बी द हाइब्रिडाइजेशन दैट मैचेस दिस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन।
अभी समझ में आया? ठीक, नाउ हाँ राइट सर्विस, तुम्हारा डाउट था बोलो। सर, मुझे वो SP2 वाला नहीं समझा, लोन पर ना इधर ऊपर या नीचे रहेगा तो कैंसिल कैसे होगा? एक टाइम पे वो एक ही जगह पे हो जा सकता है ना? नहीं, लोन पेयर जो नहीं है, ये लोन पेयर नहीं है लोन यार, पर नहीं, सॉरी, देखो। ऑड इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन, हाँ, और ये किस ऑर्बिटल में रिजाइड कर रहा है? प्योर पी में। हाँ प्योर पी में, लेकिन वो ऊपर एक टाइम पे एक ही जगह रह सकता है ना, ऊपर या फिर नीचे, तो कैंसिल कैसे होगा? नहीं, ओके, व्हेन वी से दैट दिस इज द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, थ्रू आउट द मॉलिक्यूल। जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में कैसा था? हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब है और एक नीचे छोटा लोब है, तो यहां पर वी कैन से दैट ओके, इलेक्ट्रॉन इज लाइकली टू बी फाउंड इन दिस लार्जर रीजन एज कंपेयर टू नीचे, तो इसीलिए यहाँ पे रिपल्शंस हो रहे, हो रहे हैं, पिरामिडल शेप आ रहा है। सर। और हाँ वो समझा मुझे अभी। और CF3 और CH3 में ये एक्सपेरिमेंटली हमने मतलब हमें पता चला एक्सपेरिमेंटली, तो हाँ, अगर CCl3 दे दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा है? नहीं, आपको वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हेल्प देनी पड़ेगी शेप की, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगला एग्जांपल आपसे करवाने वाला हूँ, जैसे ये NO2 है, ठीक है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। अब आप इसमें मुझे दोनों केस सोच के बताओ ब्लॉक कि क्या रहेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका शेप कैसा है, और उससे आप फिर चूज करना कि कौन सा केस करेक्ट है। ट्राई करो NO2 के लिए। हाँ कृष्णा, दोनों में से एक ही होल्ड करेगा, तो यहाँ पे देखो ना क्या आ रहा है NO2 में, व्हाट आर द टू पॉसिबिलिटीज दैट यू आर एबल टू थिंक ऑफ। हाँ राइट कृष्णा, तो एक SP सोच पा रहे हो और एक SP2 सोच पा रहे हो, राइट। दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं आपके दिमाग में, एक SP और एक SP2। अगर आप SP पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करोगे, SP पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करोगे, तो कैसा शेप आना चाहिए? राइट सर्वेश, लीनियर आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप SP2 पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करोगे, तो फिर ये वी शेप्ड आना चाहिए, बेंड शेप आना चाहिए, राइट। अब आपने एक्सपेरिमेंटली NO2 को स्टडी करा, तो उसमें व्हाट यू फाउंड आउट वाज दैट NO2 का शेप कम्स आउट टू बी वी शेप, तो यू कैन कंक्लूड दैट यस, SP2 वुड बी द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज एज आई सेड दैट ये चीज एक्सपेरिमेंटली ही वैलिडेट हो पाती है, कि यहाँ पर ये NO2 में ऑड इलेक्ट्रॉन था एंड इसका जो शेप मिलता है ये वी शेप मिलता है विद 135 डिग्री एंगल, राइट, नॉन लीनियर मिलता है। तो इससे हम लोग क्या समझे, दैट इसमें SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रेसाइड कर रहा होगा, तो ये जो प्योर पी है वो क्या कर रहा होगा, पाई बॉन्ड बना रहा होगा, राइट। समझ में आया ये NO2 का एग्जांपल? हाँ बोलो हर्षल। सर, लाइक तो ये हमें पता नहीं है कि लाइक कौन सा राइट है, बस हमें लर्न ही करना है ना।
हाँ, जैसे ये मैंने बताया आपको कि ये कौन से शेप्स हैं। सर पर लाइक जब वो लाइक डिफरेंट शेप्स में ऑप्शन देता है तो लाइक यूजुअली दे प्रेफर टू बी इन वी शेप, ऐसा कुछ रूल था ना यूजुअली व्हाट दे प्रेफर टू बी है? वी शेप लाइक बेंट शेप? नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इसके पीछे का जो लॉजिक है वो एक मतलब वर्क करता है, वो इस तरीके से करता है कि आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि कार्बन के साथ में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, तो वो क्या तीनों पी को हाइब्रिडाइज नहीं कर पाई। हाइड्रोजन में इतना लाइक यू कैन से पावर नहीं था ओके सर, दैट इट वॉज एबल टू डू, बट वेन वी ऑब्जर्व मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज हाँ सर, तो दे आर अराउंड एबल दिस टू, मेटल एटम देन दे टेंड टू अंडरगो हायर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ज्यादा ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइज करा सकते हैं वो। जैसे ओके सर, आपने नोटिस किया था ना, मैंने बताया था कि PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, हाँ PF5, पीएच पीएफआई एक्सेस करता है, तो उससे मिलता जुलता ही रीजन है। ओके थैंक यू। हाँ, बिल्कुल महिमा, इसको बेंट, वी शेप, नॉन लीनियर तीनों बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ऑड इलेक्ट्रॉन्स के केस में द लर्निंग इज दैट शेप अगर पता होगा तो आपके लिए बेटर है, ठीक है, और अगर शेप भी नहीं मिलता है तो वर्स्ट केस इज देन यू कैन गो फॉर अ हिंट लाइक दिस कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज अटैच हो रही हैं विद द सेंट्रल एटम देन इट इज अ हायर चांस कि ऑड इलेक्ट्रॉन भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो। ठीक है, ऑलराइट, सो दिस कंप्लीट्स ऑफ आवर पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड उसके साथ में जो हमने लर्निंग सीखी है, अब हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज एक्सप्लोर करना चाहेंगे। ठीक है, सो नाउ इन टुडेज लेक्चर एज वेल एज द अपकमिंग लेक्चर आल्सो हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स की थोड़ी डिटेल्ड प्रॉपर्टीज को स्टडी करना चाहेंगे, जिनमें से वन प्रॉपर्टी विल बी दिस डाइपोल मोमेंट, क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट बॉन्ड पैरामीटर्स लाइक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल्स, राइट, इन सब का मैं कंपैरिजन आपके साथ में करूंगा, व्हाट फैक्टर्स डू दे डिपेंड अपॉन, हाउ डू वी कंपेयर देम। So we'll be utilizing the rest of today's class and the upcoming class into studying more details about covalent compounds and उनकी underlying जो reasoning रहेगी वो हम लोग valence bond theory और hybridization से already पढ़ चुके रहेंगे, तो things will be connecting now। ठीक है, there will be important connection between जितना हमने पढ़ लिया है और जब आगे जो जो पढ़ने वाले हैं उसमें। तो सबसे पहले चलते हैं विद पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, सो यू रिमेंबर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड फ्रॉम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर। तो इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं एंड उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, देर आर पार्शियल चार्जेस दैट कम ऑन द मॉलिक्यूल, दिस पार्शियल चार्जेस कम बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रिमेन्स नो मोर सिमेट्रिकल, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स स्क्यूड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, हेंस द पार्शियल नेगेटिव चार्ज ओवर इट एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, सो वी कॉल सच बॉन्ड्स एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अभी ध्यान से नोटिस करना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ी देर बाद पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल पर आऊंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग डेवलप कर रहे हैं, एकदम से मॉलिक्यूल पे नहीं जंप करेंगे, पहले मैं आपको पोलर कोवेलेंट बॉन्ड समझाऊंगा फिर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल समझाऊंगा, राइट, जो अपन गैशियस स्टेट में बात करते थे कि H2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, NH3 इज अ पोलर मॉलिक्यूल, तो वो चीजें अब आपको क्लियर होती जाएंगी। ठीक है,
तो सबसे पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड समझ लो. पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज एज आई सेड टू एटम्स विद इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन देम फॉर्म अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड. जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है तो हम उसको नॉन पोलर कहते हैं. ठीक है, अब टेक्निकली स्पीकिंग लाइक डेल्टा ई एन जीरो या डेल्टा ई एन नॉन जीरो बोलते हैं, बट प्रैक्टिकली ठीक है यहां पर आप नोटिस करना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ 0.5 या उससे कम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहता है उसको हम लोग नॉन पोलर ही मान लेते हैं. ठीक है, मोर फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. ठीक है, नाउ अब यहां पर नोटिस करना, विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग सम पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड्स. सो जैसे C2H6 हो गया. ठीक है, अब C2H6 में देर आर वेरियस बॉन्ड्स, देर इज कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, देर इज कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, राइट. तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड जो है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, राइट, मामूली है, बट स्टिल इफ आई वॉज टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड, सो आई वुड से दैट कार्बन हाइड्रोजन के बीच में पोलर बॉन्ड है एंड कार्बन कार्बन के बीच में विल से नॉन पोलर बॉन्ड है, राइट. हाँ, ये स्केल पॉलिंग स्केल हमेशा बाय डिफॉल्ट पॉलिंग स्केल की वैल्यूज का ही डिस्कशन होता है. इफ नथिंग इज मेंशन तो ये पॉलिंग स्केल के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं. ठीक है, नाउ अब यहां पर आप नोटिस करना, लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल. इन विच यू हैव से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H. नाउ इसमें द पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू हेल्प यू नोट इज दैट ऐसा नहीं है कि हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड लाइक दो एटम सेम एटम्स के बीच में है तो बॉन्ड नॉन पोलर रहेगा, या सॉरी हाँ नॉन पोलर रहेगा. जैसे यहां पर आप नोटिस करोगे कि इन दिस केस बिटवीन द टू कार्बन एटम्स वन इज sp3 हाइब्रिड एंड द अदर इज sp हाइब्रिड, तो इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाएगा एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी विल से दैट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड इज पोलर. ठीक है, देन से H2O2 H2O2 में कैसा है, दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड है, तो यहां पर ये जो बॉन्ड रहेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का इसको मैं नॉन पोलर बोल दूंगा. बट लेट्स से ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको मैं क्या बोलूंगा, दैट विल बी पोलर ओनली. ठीक है, यहां पर ये मॉलिक्यूल नोटिस करो, जैसे इसको हम लोग थायोसल्फेट आयन बोलते हैं. ये आई थिंक मैंने पहले भी आप लोगों को लो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हुए बताया होगा, आगे काम आएगा कई जगह पर. तो थायोसल्फेट आयन का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, इट इज समथिंग इन दिस वे. एंड इसमें अब ये जो दोनों सल्फर है, राइट, इनके बीच में भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है. ठीक है, बिकॉज एक सल्फर sp2 हाइब्रिड है और एक सल्फर sp3 हाइब्रिड है. लाइक यू कैन डू द कैलकुलेशन, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 4 है, लोन पेयर 0 है, वर्सेस ये वाला जो सल्फर है इसका एक सिग्मा बॉन्ड और दो लोन पेयर है, तो वो sp2 हाइब्रिड रहता है. तो उनके बीच का जो बॉन्ड है विल से दैट इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड ओनली, देयर इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू. ठीक है, अच्छा अब नोटिस करना, ये जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड रहेगा, ठीक है, यहां पर इनफैक्ट आई शुड नॉट यूज द वर्ड कंपाउंड राइट नाउ, आई वुड रादर जस्ट यूज द वर्ड बॉन्ड ओवर हियर. अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड results in formation of dipole.
ठीक है, तो डायपोल कुछ नई चीज नहीं है, इट इज द सेम ओल्ड थिंग दैट वी हैड स्टडीड, बस एक नया नाम आपके सामने आ गया है. व्हाट इज डायपोल? डायपोल इज टू ऑपोजिट चार्जेस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ डायपोल, टू ऑपोजिट चार्जेस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर. नाउ हाँ हाँ डेफिनेटली दे आर इन वेरी फार अवे. इस डायपोल के साथ में एक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है जिसको हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट. ठीक है, सो ये डायपोल के साथ में अ प्रॉपर्टी कॉल्ड डायपोल मोमेंट, मूवमेंट नहीं यार क्या लिखता है ये भी, डायपोल मोमेंट इज प्रेजेंट. ठीक है, जिसको हम लोग इस म्यू सिंबल से डिनोट करते हैं. ठीक है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट इज मैग्नीट्यूड इज डिफाइंड एज चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. राइट, ये दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, राइट, दे आर प्रेजेंट एट सम डी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड इनके ऊपर जो चार्ज है लेट्स से दैट इज सम डेल्टा चार्ज, तो यहाँ पर ये डायपोल मोमेंट कितना हो गया, डेल्टा इनटू डी. राइट, ये ऐसे डी डिस्टेंस पर प्रेजेंट है एक दूसरे से. अच्छा, इस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या रहता है? इसका डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज. ठीक है, हाँ नहीं नहीं वो फिजिक्स में अलग रहेगा, अमन केमिस्ट्री का है, यहां पर इट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव. हाँ तो यहां पर अब आप नोटिस करना, ये जो डायपोल मोमेंट है इसकी जब हम कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें SI यूनिट्स अगर हम यूज करेंगे तो चार्ज कूलम में रहेगा, डिस्टेंस मीटर में रहेगा, तो SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, कूलम मीटर. ठीक है, वर्सेस अनदर कॉमन यूनिट विच इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग दिस डायपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड एज डीबाय, DEBY कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इनका इंटर कन्वर्जन कुछ इस तरीके से है, 1 डीबाय इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10 रेश्यो द पावर ऑफ -30 कूलम मीटर. ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, कूलम मीटर है वो. और अगर CGS यूनिट्स में लिखना है तो कूलम का CGS यूनिट होता है, मतलब चार्ज का CGS यूनिट होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और मीटर का CGS यानी कि लेंथ का CGS यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो इट इज इक्वल टू 10 रेश्यो द पावर ऑफ -18 ESU सेंटीमीटर, इन केस कभी CGS यूनिट में कहीं कैलकुलेशन आ जाएगा, बुकलेट में है एक आध जगह. ठीक है, तो ये डायपोल के साथ में एसोसिएटेड प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड डायपोल मोमेंट. राइट, दिस डायपोल मोमेंट इज अ गुड इंडिकेटर, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली यू नो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी. ये जो डायपोल मोमेंट है दिस इज एक्चुअली एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी. तो अगर हम डायपोल मोमेंट एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं तो इट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड द पार्शियल चार्जेस दैट आर देयर एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इट कैन हेल्प अस टू नो व्हाट वुड बी द परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर ऑन दिस कोवेलेंट बॉन्ड. सर हाँ बोलो हर्ष.
सर मुझे ये नहीं समझा, अगर बी पे अगर डेल्टा माइनस है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स तो भी क्यों फिर नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स खुद नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव चार्ज। नहीं, अरे बाबा तुम कॉज एंड इफेक्ट को कंफ्यूज मत करो, ठीक है? ये जो डेल्टा नेगेटिव है ये इफेक्ट है, कॉज क्या था? कॉज वाज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। मतलब मान लो लेट्स से हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में दोनों हाइड्रोजन एटम आइडेंटिकल है, तो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो कैसा रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा, ठीक है? जैसे एक इंडिविजुअल एटम में आपने देखा है, एक एटम में आपने देखा है कि सब ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल, लाइक आप एस ऑर्बिटल की बात कर लो, अराउंड द न्यूक्लियस देयर इज सिमेट्री। आप पी ऑर्बिटल की बात कर लो, अराउंड द न्यूक्लियस सिमेट्रिक होते हैं। आप डी ऑर्बिटल की बात कर लो, डी ऑर्बिटल भी अराउंड द न्यूक्लियस सिमेट्रिक ही होते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अब अगर हम H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो H2 मॉलिक्यूल में भी, ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट H2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये भी सिमेट्रिकल ही रहेगा क्योंकि दोनों एटम सेम है। बट अब यहां पर जैसे मैं HCl मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो HCl मॉलिक्यूल में कैसा हो जाएगा? राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये स्क्यू हो जाएगा टुवर्ड्स क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्लोरीन के न्यूक्लियस जो हैं, दे विल बी एबल टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स मोर क्लोज टू देम। अब इसकी वजह से वी आर सेइंग कि यू हैव पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव एंड्स। एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। ओके सर, ठीक है, हाँ समझा सर। नाउ अब यहां पे आप लोग नोटिस करना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डाइपोल मोमेंट है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली मेजरेबल प्रॉपर्टी, ठीक है? तरीके होते हैं मेजर करने के, इसको क्या तरीके होते हैं उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमको, बट देर आर वेज इन विच वी कैन एक्सपेरिमेंटली मेजर द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर हम लोग ये डायपोल मोमेंट मेजर कर लें, राइट, और डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ये भी हम लोग मेजर कर लें, तो हमें क्या पार्शियल चार्जेस रहेंगे? वो समझ में आ सकता है? राइट? नहीं नहीं, अच्छा, अमन का एक डाउट आ रहा है। अमन का डाउट है कि सर हमने ये डाइपोल मोमेंट करा तो था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, रूट एन इनटू एन प्लस टू बोर मैग्नेटॉन, तो वो बिल्कुल सही है, इट इज द सेम थिंग ओनली, डाइपोल मोमेंट ओनली, एज इन इनफैक्ट हम उसको मैग्नेटिक मोमेंट बोलते थे, ठीक है? बिकॉज लाइक इट वॉज नॉट बिकॉज वी आर सेइंग दैट डाइपोल की वजह से आ रहा है, ठीक है? हम लोग क्या कह रहे थे, वो किस वजह से आ रहा था मैग्नेटिक रिस्पॉन्स? बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से ही आता था। यहां पर ये जो हम लोग मैग्नेटिक रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं ना अमन, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल दैट इज क्रिएटेड, ठीक है? तो इट इज नॉट द सेम फॉर्मूला। So, यहां पर जैसा मैं आपको कह रहा था कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंटली मेजर कर लेते हैं, तो इससे हमें ये पार्शियल चार्जेस के बारे में आइडिया लग सकता है। एंड इन पार्शियल चार्जेस के बारे में आइडिया
लग सकता है तो दैट कैन हेल्प अस देन मेजर परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इन द कोवेलेंट बॉन्ड. सो दिस डायपोल मोमेंट is something which is used to determine percentage ionic character in a covalent bond or if it is just a diatomic molecule, then you can say it's a diatomic molecule ka percentage ionic character. Now, if you remember, आप लोगों ने periodic properties में एक formula पढ़ा था, ठीक है, on this side, right hand side पे, ये periodic properties में पढ़ा था अपन ने, कि अगर हमें एक polar covalent bond के बीच में right percentage ionic character निकालना है, तो हम लोग कैसा formula use करते थे? 16 times डेल्टा ई एन प्लस 3.5 डेल्टा ई एन का स्क्वायर. ये वाला फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ये आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा था. तो वो फॉर्मूला एक्चुअली यहीं से आता है. ठीक है, वो फॉर्मूला जो है वो यहीं से आता है, जहां पर मॉड, क्योंकि मतलब मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है ना, वो ठीक है, मतलब स्क्वायर हो जाएगा तो भी ठीक है, मैं तो मॉड का स्क्वायर कर रहा हूं, दैट्स ओके, उसमें कुछ ऐसा हिडन मीनिंग नहीं है. अब ये जो फॉर्मूला है वो यहीं से आता है, दैट व्हाट वी डू इज वी डिटरमाइन द एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट ऑफ अ सब्सटेंस, एंड दैट एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट will help us get the percentage ionic character. किस तरीके से, वो अब आप नोटिस करना, ठीक है, ध्यान से यहां पर समझना. So the formula for percentage ionic character in case of a diatomic molecule is pretty simple. It is the experimentally observed dipole moment upon the theoretical dipole moment into 100%. Now, what is this theoretical dipole moment? यहाँ पर आप नोटिस करना, ये theoretical dipole moment जो है, this is assuming that there is a complete transfer of electron. H के ऊपर plus E charge है और Cl के ऊपर माइनस ई चार्ज है, ये हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं. रियल लाइफ में कैसा हो रहा है, रियल लाइफ में कंप्लीट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, रियल लाइफ में यू हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस. तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पार्शियल चार्जेस की वजह से एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट आया उसको तो निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली निकाल रहे हैं, और फिर एक थियोरिटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं कि मान लेते हैं अगर यहां पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा होता तो कितना डायपोल मोमेंट आता, और अगर मैं उन दोनों का रेशियो ले लूंगा तो मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा. समझ में आया ये फॉर्मूला, हम लोगों को परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना है, एंड परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ how much charge got separated, like how much this partial charges got generated. तो 100% ionic का मतलब क्या होगा कि भाई पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, इधर प्लस वन और इधर एज इन प्लस ई और इधर माइनस ई चार्ज आएगा, राइट. ये फॉर्मूला लॉजिक से आ रहा है ना हर्षल, वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, आप खुद उस लॉजिक से कनेक्ट करो ना अपने आप को.
ये जो केस है जहां पर वी आर अज्यूमिंग 100% आयोनिक कैरेक्टर, तो व्हाट डू वी मीन बाय 100% आयोनिक कैरेक्टर? कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो गया, लाइक आयोनिक बॉन्ड ही हो गया ना, दिस इज नो लॉन्गर अ कोवेलेंट बॉन्ड, ये कटायन है और ये अनायन है. तो ये मेरा 100% आयोनिक बॉन्ड हो गया, बट एक्चुअल में तो ऐसा हो नहीं रहा है. एक्चुअल में देर आर पार्शियल चार्जेस, तो अगर मैं दोनों के डायपोल मोमेंट का रेशियो ले लूंगा तो मुझे परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मिल जाएगा ना. अभी लॉजिक समझ में आया तुम्हें हर्षद? हाँ बोलो सर. जो बोला एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल है, उसका रेशियो लेने से मतलब कैसा आ रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है मतलब. हाँ हाँ वापस से सुन लो. देखो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? सर वो जो कि मेरा जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, दोनों ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? 100% आयनिक मॉलिक्यूल, 100% कोवेलेंट बोलते हैं ना, 0% आयनिक, 100% कोवेलेंट 0%. हाँ ऐसा बोलते हैं. हाँ सर. अब यहाँ पर Cl आ गया है, तो Cl की वजह से पार्शियल चार्जेस आ गए हैं. हाँ सर. राइट, पार्शियल चार्जेस आने की वजह से अब यहाँ पर वी आर सीइंग आयनिक कैरेक्टर आ रहा है. हाँ सर. तो हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं कितना आयनिक कैरेक्टर आ रहा है. यस सर. तो मैंने सोचा कि ठीक है हम इसको कंपेयर कर लेते हैं इस सिनेरियो से, जहां पर कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हो रहा है. ओके. तो इसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, इसके डायपोल मोमेंट को, और इसके डायपोल मोमेंट को न्यूमरेटर में रखते हैं. तो ये मुझे बता देगा ना कितना आयनिक कैरेक्टर आया है. हाँ सर. ओके. हाँ तो वो रेशियो आ जाएगा ना लाइक दोनों का. हाँ तो वही एग्जैक्टली. अगर मान लो यहाँ पर प्लस e by 2 एंड माइनस e by 2 पार्शियल चार्ज आया होता, तो मेरा आयनिक कैरेक्टर में कितना बोलता? 50% अगर ये प्लस e by 3 एंड माइनस e by 3 चार्ज आया था, तो मैं कितना बोलता आयनिक कैरेक्टर? 33% राइट. तो आप समझ में आया लॉजिक कहाँ से आया इस फॉर्मूला का? हाँ सर समझ गया सर. थैंक यू. ठीक है. सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट दिस एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट कैन हेल्प अस गेट द आंसर टू द कोवेलेंट सॉरी द आयनिक कैरेक्टर. ठीक है. अब किस तरीके से आप ये कैलकुलेशन करना चाहोगे, तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है. ठीक है. आई विल गिव यू एन अटेम्प्ट फॉर योरसेल्फ टू गेट एन आंसर टू. ठीक है. ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला. देखो जरा अगर आप कर पाते हो क्या खुद से सोच के. हाँ हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज आर ऑलवेज मेजर्ड इन फॉलिंग स्केल अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज.
सो हाँ करेक्ट हर्ष, करेक्ट अमन, नहीं सर्वेश आपका नहीं आया आंसर. तो इसमें कैसे करना है, सिंपल ही है. लाइक म्यू थियोरेटिकल कितना होगा, म्यू थियोरेटिकल में चार्ज हम लोग मान लेंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम, राइट. सो दिस विल बी म्यू थियोरेटिकल, राइट. सो म्यू थियोरेटिकल मैंने निकाल लिया क्यू इंटू डी करके, और म्यू एक्सपेरिमेंटल मुझे दिया हुआ है 1.01 डिबाय, ठीक है. अब डिबाय को कूलम मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूट ओवर हियर एंड यू विल गेट द आंसर. तो इससे आपको रफली 17% आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, एंड 17% आयनिक कैरेक्टर मतलब कितना चार्ज हो जाएगा ऑन ईच एटम, इट विल बी 17% ऑफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट. 17/100 into 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, दैट इज व्हाट वी विल से इज द पार्शियल चार्ज दैट इज जनरेटेड. हाँ ऐसा यूनिट, भाई यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा आपको. ऊपर अगर डिबाय में लिया है तो नीचे भी डिबाय में लो, या फिर ऊपर कूलम मीटर में है तो नीचे भी कूलम मीटर में लो, लाइक कंसिस्टेंट यूनिट्स में लो. ठीक है, ऑलराइट. सो दिस इज व्हाट वाज अबाउट अ बॉन्ड. ठीक है, हम लोग एक सिंगल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे. अब लेट्स move on to discussion of polar covalent molecules. ठीक है, यहाँ पे focus करना. अब हम molecules के बारे में बात करना चाहेंगे. अब notice करना, एक molecule के अंदर there can be many bonds. Some bonds can be polar, some can be non-polar, right? Depends upon the atoms that are there. The net dipole moment of a molecule, it is actually the vector sum of the individual bonds ke dipole moments in that molecule, right? Ye dipole moment maine aapko bataya tha abhi, it's a vector quantity, right? To individual bonds ke jo dipole moment hain unka agar hum vector sum le le, to that is what will give us the dipole moment of the molecule. Now it may happen, ठीक है, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, इट मे हैपन दैट द वेक्टर सम कैंसल्स आउट. ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में ऐसा होगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वी कैन से दैट द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो. ठीक है, वी कॉल दैट मॉलिक्यूल एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. एंड इट मे ऑल्सो हैपन दैट द net vector sum doesn't cancel out. In that case, we will say that the molecule is polar. Now to further elaborate on this, let me take some examples. Say BF3. Now BF3 ka shape, you remember, it was trigonal planar. Now each BF bond is polar. Like each BF bond will have a dipole moment. Right, boron will be partial positive, fluorine will be partial negative, and as a consequence, there will be a dipole moment with each bond. But क्योंकि ये तीन vectors हैं, ये आपने पढ़ा होगा ना, तीन vectors equal magnitude के 120 degrees पर from each other, तो इनका vector sum क्या होगा? Zero. ठीक है. Now either you remember this, okay, from your vectors chapter, or if you don't remember it, then take this to be origin, do I cap, J cap, K cap, and then do the vector addition. I don't mind, that is up to you, but main to nahi karne wala definitely. Matlab I am going to assume ki aapko itna vectors ka knowledge hai.
अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? पहले ये अमोनिया का एग्जांपल देख लो, फिर मैं नियॉन एटम पे भी आऊंगा, ठीक है? पहले अमोनिया का एग्जांपल देखो, तो अमोनिया का एग्जांपल में यहां पर आप नोटिस करना, या चलो ठीक है नहीं, एक्चुअली पहले नियॉन का भी नोटिस कर ही लो, नियॉन का नोटिस करने के बाद में अमोनिया समझ में आ जाएगा। तो पहले नियॉन का जस्ट एज एन एटम, ठीक है, नॉट इवन अ मॉलिक्यूल। अब नियॉन का जो एटम है उसमें भी डायपोल मोमेंट रहेगा एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, बट द थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल है अराउंड द न्यूक्लियस। सिंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। वेदर द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, कोई से भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सारे ऑर्बिटल कैसे हैं, दे आर सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस। सिंस दे आर सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, वी से दैट द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो ओनली। सो इवन अ सिंगल एटम इज नॉन पोलर, ठीक है? नाउ अब आप नोटिस करना, अमोनिया एज अ मॉलिक्यूल, अमोनिया एज अ मॉलिक्यूल का आपको शेप याद है, इट वॉज पिरामिडल शेप, लाइक नाइट्रोजन लोन पेयर और तीन हाइड्रोजन। नाउ इफ यू विल नोटिस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो उसकी वजह से एक डायपोल मोमेंट रहेगा, ठीक है, इसको हम लोग म्यू वन बोल रहे हैं, ठीक है? और इसका डायरेक्शन कैसा रहेगा, फ्रॉम हाइड्रोजन टुवर्ड्स नाइट्रोजन, पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है? हाउएवर अब यहां पर आप नोटिस करना, लोन पेयर का भी एक डायपोल मोमेंट होगा, ठीक है, डोंट इग्नोर द लोन पेयर, क्योंकि ये लोन पेयर किसमें है, ये लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट लाइक एन एटॉमिक ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट सिमेट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस, राइट? सो हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट सिमेट्रिक अराउंड द न्यूक्लियस एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस इसका डायपोल मोमेंट रहेगा, एंड वी आर कॉलिंग दैट डायपोल मोमेंट एज म्यू टू। एंड दिस डायपोल मोमेंट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, एंड एज यू कैन सी, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग द कैलकुलेशन, बट यू कैन नोटिस दैट द कैंसिलेशन वोंट वर्क आउट ओवर हियर। सो नेट डायपोल मोमेंट विल बी समथिंग, वी डोंट नो द कैलकुलेशन, बट इट विल बी समथिंग फाइनाइट, एंड हेंस वी कॉल दिस एज अ पोलर मॉलिक्यूल। अच्छा, लोन पेयर का डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी नोटिस करना, इट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर, लाइक क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ का डायरेक्शन रहेगा इसका, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये समझ में आया आपको, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल? इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो हर्षित। सर लाइक इसमें किसी का लाइक कैलकुलेट करना हो तो लाइक फाइनल आंसर? नहीं नहीं, वो आपसे इस तरीके से नहीं करवाएंगे, लाइक इट इज वेक्टर सम नहीं निकाल पाओगे आप इसका, ओनली लाइक सम केसेस जहां पर इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर यू टू मैन्युअली डू दैट, वो आपसे पूछ सकते हैं।
बट तो लाइक ऐसे क्वेश्चंस इसमें कैसा क्वेश्चंस पूछेंगे मैं कराता हूं ना आपको अभी खूब सारे ओके ओके थैंक यू ऑलराइट अच्छा CH4 मीथेन में कैसा रहेगा मीथेन में इट्स अ टेट्राहीड्रल शेप विच इज सिमेट्रिकल ऑल पोजिशंस आर आइडेंटिकल एंड इसमें भी ये डायपोल मोमेंट्स कैंसिल आउट हो जाते हैं प्रूफ मैं नहीं कर रहा हूं आपके लिए ठीक है दिस इज समथिंग विच आई एम डायरेक्टली बेसिंग ऑन द फैक्ट दैट दिस इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बट अगर आपको प्रूफ करना भी है तो आप कर सकते हो आई हैड शोन यू कि टेट्राहेड्रल को हम लोग कैसे विजुलाइज कर सकते हैं लाइक कार्बन विल बी एट द सेंटर ऑफ द क्यूब एंड हाइड्रोजन विल बी एट द ऑल्टरनेट कॉर्नर्स तो अगर आपको सेंटर को ओरिजिन मान के आई कैप जे कैप के कैप करना है और प्रूव करना है तो आप वो भी कर सकते हो ठीक है हाँ राइट हर्षल ठीक है कैंसिल आउट कर जाएंगे इसमें चार्ज तो क्योंकि सेम ही रहेगा ना तो मैग्नीट्यूड आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं कैलकुलेट करना है आप बस इनको म्यू मान लो ना सबके सब म्यू वन ही रहेंगे ये ठीक है डोंट नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इट लेट इट बी ऑल म्यू वन ओनली और फिर इन म्यू वन का आप जब वेक्टर सम लोगे आई कैप जे कैप के कैप करके भी लेना चाहोगे तो वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है बट रादर डूइंग दिस मैथमेटिकल टेक्निक आई वुड रादर वांट यू टू रिमेंबर दैट इट इज अ सिमेट्रिकल शेप एंड दैट्स व्हाट रिजल्ट्स इन इट्स कैंसिलेशन अच्छा CH3Cl का एग्जांपल देखना अब CH3Cl का एग्जांपल कैसा रहेगा CH3Cl का एग्जांपल में तीन तो हाइड्रोजन रहेंगे बट एक क्लोरीन रहेगा अब यहां पर एज यू कैन सी कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आई वुड से म्यू वन इज द डायपोल मोमेंट और कार्बन क्लोरीन के बीच में इट विल बी समथिंग म्यू टू आई डोंट नो इट विल बी समथिंग डिफरेंट बट एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस एंड द शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल आई कैन वेरी वेल बी श्योर कि यहां पर नेट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आ रहा है ठीक है And hence, I will label CH3Cl as a polar molecule. ये समझ में आया? Alright. Now, अब आप लोग थोड़ा guess करो, ठीक है? SO3 के बारे में बताओ. Polar रहेगा, non-polar रहेगा. What will be your answer? SO3 molecule, will it be polar or non-polar? राइट अमान राइट सर्वेश राइट महिमा नहीं गौतम नहीं हर्ष SO3 का शेप याद करो ना कैसा होता है SO3 का शेप करेक्ट तो यहाँ पर इट विल बी अ ट्राइगोनल प्लेनर शेप SO2 नहीं बोला मैंने SO3 बोला है कृष्णा और इसमें ये तीनों अगेन 120 डिग्री पर कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को राइट सो एज अ कॉन्सिक्वेंस यू कैन बी श्योर दैट दिस विल बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल
अच्छा SO2 के बारे में अगर मैं आपसे पूछूंगा SO2 कैसा रहेगा, पोलर रहेगा नॉन पोलर रहेगा, तो क्या आंसर रहेगा आपका? हाँ राइट सर्वेश, नहीं अमान, राइट ईशान, राइट कृष्णा, सो इसमें दिस विल बी अ पोलर मॉलिक्यूल. सो यू रिमेम्बर द शेप ऑफ दिस SO2 में S यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा, बट एक जगह लोन पेयर रहेगा और दो जगह ऑक्सीजन रहेंगे, राइट? ये म्यू वन रहेगा डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन और सल्फर वाला, एंड लोन पेयर वाला से म्यू टू रहेगा. नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि सर ये म्यू वन का तो नेट इस तरफ रहेगा और ये म्यू टू इसके ऑपोजिट रहेगा, तो ये कैंसिल भी तो कर सकते हैं, राइट? द आंसर इज इट इज हाईली इम्प्रोबेबल. इट इज पॉसिबल, आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज इम्प्रोबेबल. मतलब द चांसेस ऑफ सच यू नो इवेंट हैपनिंग कि यहाँ पर ये कैंसिल आउट कर जाए इज नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू बी ग्रेट. तो आई वुड प्रिडिक्ट SO2 टू बी अ पोलर मॉलिक्यूल, एंड देन ऑफकोर्स वी विल एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट ऑल्सो, एंड इट डज कम आउट टू बी पोलर मॉलिक्यूल. SO2 का डायपोल मोमेंट आता है, ठीक है? समझ में आया अमन? आई थिंक यू वर बैंकिंग ऑन दिस फैक्ट कि ये कैंसर आउट हो रहा है. ऑल राइट, नेक्स्ट CO2 कैसा रहेगा बताओ. अच्छा तुम लोन पे भूल ही गए थे लोन. करेक्ट, SO2 विल बी सॉरी CO2 विल बी नॉन पोलर. ओके XeF4, XeF4 में कैसा रहेगा? XeF4 में the answer will come out to be non-polar. Again, if you first have to देखो सब चीज का starting Lewis structure से होगा guys. Lewis structure सही से बनाना है, फिर उसके बाद shape बनाना है, and then you will be able to comment. So you should remember इसमें sp3d2 hybridization आएगी, या फिर आप bond pair lone pair से करना चाहो तो उससे कर लो, vscpr से कर लो या vbt से कर लो, I don't mind. बट इसमें यू विल गेट अ स्क्वायर प्लेनर शेप, राइट? एंड लोन पे दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तो ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा ना. लाइक ये लोन पेयर का डायपोल मोमेंट म्यू टू और म्यू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट? ये फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट म्यू वन और ये फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट म्यू वन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस mu1 and this mu1 will get cancelled out.
ठीक है, नाम धीरे धीरे याद आ जाएंगे अमन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि नाम में बहुत डिफिकल्टी आती है. मे बी यू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, बट द मोर क्वेश्चन यू विल प्रैक्टिस अभी, क्योंकि आपने होमवर्क नहीं करा ना, आप होमवर्क करोगे तो अपने आप ये चीजें धीरे धीरे लाइक इंट्यूटिवली आने लग जाएंगी. ऑल राइट, XeF2 क्या रहेगा? XeF2 के केस में पोलर रहेगा, नॉन पोलर रहेगा? राइट ईशान, करेक्ट. नहीं अमान, हाँ सर्वेश करेक्ट है. नहीं महिमा, नहीं गौतम, आप लोग करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहे इसका. होमवर्क नहीं करने का यही होता है रिजल्ट. ये सब हमने ऑलरेडी नोट्स में प्रैक्टिस करे हुए स्ट्रक्चर्स हैं. करेक्ट, दिस कम्स आउट टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल. कैसे, इसमें आप नोटिस करोगे ये टीबीपी ज्योमेट्री होती थी, ठीक है, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे ना ये, राइट. तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस कैसे रहती है, 120 डिग्री कैंसिलिंग आउट ईच अदर, एंड ये एक्चुअल पोजीशन पे रहेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट, अगेन दे विल बी कैंसिलिंग आउट ईच अदर. तो इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो आएगा, एंड आता भी है, लाइक एक्सपेरिमेंटली अंडरस्टूड भी है ये. ऑलराइट, लेट्स ट्राई अनदर एग्जांपल, PCl3F2, इसके केस में क्या होगा? PCl3F2 में नहीं सही, हम ढंग से देखो ना, तुम जल्दबाजी में क्यों आंसर कर रहे हो? करेक्ट, दिस विल कम आउट टू बी नॉन पोलर, राइट. आप लोगों ने पढ़ा था टीबीपी ज्योमेट्री में, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स गो एट द एक्चुअल पोजीशन, तो दोनों फ्लोरीन एक्चुअल पे चले जाएंगे एंड 3 क्लोरीन इक्वेटोरियल पे रहेंगे, तो तीनों क्लोरीन आपस में कैंसिल आउट कर देंगे और फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में कैंसिल आउट कर देंगे. अच्छा, PCl2F3 कैसा रहेगा ये बताओ, हाउ वुड PCl2F3 बी? राइट, दिस केस विल बी पोलर. इसमें क्या होगा, देखो वील फॉलो दैट रूल दैट इन टीबीपी ज्योमेट्री मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स विल बी एट एक्चुअल पोजिशन, तो दो फ्लोरिन तो एक्चुअल पे रहेंगे, राइट. अब तीसरा फ्लोरिन कहीं ना कहीं इक्वेटोरियल पे ही फिट करना पड़ेगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस द कैंसिलेशन विल बी इनकम्प्लीट, बिकॉज द कैंसिलेशन विल बी इनकम्प्लीट
we'll say that the molecule will be polar in nature. ठीक है, ऐसा मत कर देना कि डायपोल मोमेंट जीरो बनाने के लिए आप सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहे हो. ठीक है, उस वैसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता है. ठीक है, हाँ बोलो हर्षल. सर वो क्लोरीन क्लोरीन को एक्चुअल पे नहीं रख सकते हैं ना, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव को उधर रखना पड़ेगा. हाँ सर, नेकर हो जाता मतलब. हाँ लेकिन वही मैंने कहा कि डोंट गेट टेम्प्टेड बाय द फैक्ट कि मुझे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाना है. हाँ सर, लेकिन दिस इज समथिंग जो मैंने आपको उस टाइम पे भी हाईलाइट करके बताया था. हाँ बोलो भाविक. सर ऐसा जरूरी है कि जिस कंपाउंड के पास लोन पेयर नहीं है वो नॉन पोलर रहेगा? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है. अभी इसके ऊपर वाला देखा ना आपने, ये हाँ, तो कहाँ इसमें फास्फोरस के सेंट्रल एटम पर लोन पेयर था. राइट, तो ऐसा लॉजिक मत बनाओ. ठीक है, स्टे विद द सिंपल अप्रोच कि आपको तो शेप बना के देखना है. अगर सिमेट्रिकल आएगा ठीक है, देन देयर इज अ हाई चांस कि इट विल बी नॉन पोलर, और अगर नॉन सिमेट्रिकल आएगा तो देयर विल बी हाई चांस इट विल बी पोलर. अच्छा ओके, ठीक है. अच्छा C6H6 बेंजीन के बारे में कैसा रहेगा आप लोगों का थॉट प्रोसेस? All right, so C6H6 non-polar, right? ये हमने डिस्कस किया था थोड़ा टाइम पहले. इट्स अ प्लेनर मॉलिक्यूल, सिमेट्रिकल रहेगा, राइट? जो भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड पेयर डायपोल मोमेंट्स है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो इसका आंसर क्या आया? नॉन पोलर. ठीक है, ऑल राइट. क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कैसा रहेगा? पोलर, क्योंकि अब इसमें एक हाइड्रोजन और एक तरफ क्लोरीन है, तो ये कैंसिलेशन वर्कआउट नहीं करेंगे, राइट? अच्छा, अब नोटिस करना, लेट मी आस्क यू. ठीक है, लेट मी आस्क यू. इन तीनों में कैसा रहेगा? विच विल बी पोलर, विच विल बी नॉन पोलर? ये तीनों डाइक्लोरोबेंजीन ही है बट आइसोमर्स है उसके, ऑर्थोमेटा पैरा. अब तो आपने पढ़ लिया होगा ना यूपीएससी नोमेनक्लेचर में, ये ऑर्थोमेटा पैरा. हाँ सो राइट, यू गाइस आर करेक्ट. दिस विल बी पोलर, दिस विल बी पोलर एंड दिस विल बी नॉन पोलर. करेक्ट. राइट, कैंसिलेशंस आप वही देख रहे हो डायपोल मोमेंट के कैसे रहेंगे. ऑल राइट, इन दोनों में बताओ C2H4 एंड C3H4 में क्या रहेंगे, पोलर नॉन पोलर?
Correct. Both will be non-polar. कैसे इसमें आप देखो लाइक C2H4 तो समझ में आ जाएगा लाइक ये तो प्लेनर मॉलिक्यूल था लाइक प्लेनर मॉलिक्यूल है तो इसमें वापस से कार्बन हाइड्रोजन सब कैंसिल आउट कर जाएंगे बट इवन इन केस ऑफ C3H4 दिस एलीन काइंड ऑफ अ मॉलिक्यूल इसमें इवन इफ द हाइड्रोजन आर नॉट इन द सेम प्लेन इट इज अ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल ठीक है बट इट इज स्टिल you can find it to be non-polar. Why? Because आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन है एग्जिट प्लेन में इनका डायपोल मोमेंट देर एज ये जो कार्बन ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वाई जेड प्लेन में है इनका डायपोल मोमेंट दे आर स्टिल गोइंग टू कैंसिल आउट इट इज स्टिल गोइंग टू बी अ नॉन पोलर स्पीशीज समझ में आया Is this clear? अच्छा नहीं आया तो आप चलो कैलकुलेशन करो ना ये जेड एक्सिस है ठीक है ऊपर एक्स एक्सिस है अंदर बाहर वाई एक्सिस है तो ये एग्जेड प्लेन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है इनका डायपोल मोमेंट अलोंग द जेड एक्सिस रहेगा नेट डायपोल मोमेंट 120 डिग्री पर है ना ये वैसे यहां पर आप नोटिस करोगे वाई जेड प्लेन में जो है हाइड्रोजन ये भी वापस 120 डिग्री पर ही है इनका डायपोल मोमेंट भी अलोंग जेड एक्सिस ही रहेगा ठीक है सो मतलब मैं इतना अज्यूम कर रहा हूं आप लोगों को थोड़ा विजुअलाइजेशन करना आता है मतलब मैं अभी यहां पर ऐसे आई कैप जे कैप नहीं करने वाला हूं That is something which I'm assuming that you are well versed with this kind of 3D thinking. All right. Next, ये try करके बताओ CH3 C triple bond carbon C triple bond carbon के बाद में यहाँ पे CH3 आ रहा है ये कैसा रहेगा polar रहेगा non polar रहेगा राइट सही हम राइट सर्वेश राइट हरी ओम करेक्ट तो यहाँ पर भी कैसा होगा ये कार्बन कार्बन तो लीनियर रहेंगे बट इनके अराउंड लिप ऐसा पिरामिडल और ट्राइपॉड अरेंजमेंट रहेगा हाइड्रोजन का तो वैसा ही ट्राइपॉड अरेंजमेंट इधर भी रहेगा राइट और उनका नेट डायपोल मोमेंट अलोंग जेड एक्सिस ही आने वाला है इधर भी अलोंग जेड एक्सिस ही आने वाला है राइट एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस दिस विल बी अ non-polar molecule ठीक All right. अब इसके आगे भी हम लोग discussion करते हैं ठीक है so let me take a break छोटा सा फिर हम लोग resume करेंगे अब मैं थोड़े से और tricky examples आप लोगों के साथ में discuss करूंगा कितना बज रहा है अभी 11:58 12:10 पे रिज्यूम कर लेते हैं हाँ बोलो हर्ष सर मुझे ये नहीं समझा आपको डायपोल मोमेंट का एरो किस तरफ मतलब ऐसा डिटरमाइन कर रहे हो आप देखो ना ये ट्राइपॉड का जैसे अपन मीथेन के बारे में बात कर रहे थे हाँ सर तो ये ट्राइपॉड का नेट ऊपर की तरफ आएगा तभी तो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा अच्छा मतलब सब सेंट्रल एटम्स के तरफ पॉइंट करते हैं यहाँ पर ये जो ट्राइपॉड था लेफ्ट हैंड साइड पर ये अलोंग द जेड एक्सिस जा रहा होगा वैसे इसका भी ट्राइपॉड अलोंग द जेड एक्सिस जा रहा होगा ये ऑपोजिट में कैंसिल आउट कर लेंगे दूसरे को सर सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो सर और ऊपर और हाँ सर
सर सर सर वो XE XEF4 सर, इसके अपने वो लोन पैक का जो उधर साइड में डाइपोल उधर फिर अपने ऊपर कैसे बनाया मतलब डाइपोल मोमेंट ऑफ अ लोन पेयर इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस ना, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। अच्छा ओके ओके समझे ठीक है। तुमको कुछ पूछना है सर्वेश, तुमने हैंड रेज किया हुआ है? सर अभी हमने इतने एग्जांपल्स किए उसमें मैंने एक नोटिस किया कि जो सिमेट्रिकल है वो नॉन पोलर होते हैं, तो करेक्ट है? हाँ मोस्टली यही हो रहा है। भाविक तुमको कुछ पूछना है? नहीं सर वो गलती से बोलो हर्षु। सर जो लाइक हमें लाइक एकदम लाइक ये लाइक कैसे मतलब इतने एटम्स तक ही आएगा कि ज्यादा एटम्स भी आ सकते हैं लाइक एग्जाम? नहीं नहीं मतलब देखो इतना आएगा जितना आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, ऐसे अजीब सा कुछ नहीं आएगा। ओके सर सर लाइक पर हम इसका इसीलिए मैं सारी वैरायटी कवर कर रहा हूँ आपके साथ में। ओके सर ठीक है, अभी थोड़ा सा और कराऊंगा। बोलो सर्वेश। सर बुटेन के जो बीच में दो कार्बन एटम्स रहते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहते हैं ना? इसमें बुटेन में हाँ हाँ बट नॉमेनक्लेचर में एक क्वेश्चन है बुकलेट का, तो उसमें बीच के एटम्स का sp2 दिया है। ब्यूटेन में? हाँ ब्यूटेन। ब्यूटेन में कैसे sp2 हो सकता है? नहीं नहीं सॉल्यूशंस में वैसा लिया तो गलत होगा। ठीक है विल रिज्यूम इन 10 मिनट्स।
All right, so I hope everyone is back. Now, let's continue this discussion. So you have five examples in front of you. And in panch mein aapko batana hai, which one is polar and which one is non-polar. How many are polar, as in which, or in fact, you can give me a count to begin with. हाँ, आपको बताना है इसमें कितने, कौन से polar हैं, कौन से non-polar हैं. And to make things interesting, right, we have some polar and some non-polar. Aisa nahi hai ki sabke sab non-polar hai, because you might think by looking at this diagram and coming up saying that ye sab non-polar hai, aisa nahi hai. That is the incorrect answer. थोड़ा और डिटेल में सोचो अमन. नहीं कृष्णा, नॉट करेक्ट. श्रव्या, हाँ यू आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ गिविंग द काउंट. हाँ राइट गौतम, करेक्ट, पांचों करेक्ट तुम्हारे, वेरी गुड. नहीं हर्षल, चलो मैं काउंटिंग में आपको नेक्स्ट हिंट दे देता हूँ. सो यहाँ पर देर आर टू पोलर एंड थ्री नॉन पोलर. चलो इतना हिंट भी दे दिया मैंने. अब आप मुझे बताओ ए बी सी डी ई वाइज, ए बी सी डी ई, कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है. अभी तक सिर्फ एक गौतम है जिसने सब करेक्ट आंसर दिया है. एक साथ सारा दो. नहीं सर्वेश, नॉट करेक्ट. नहीं सही हम. नहीं प्रशस्त, सारे तो करेक्ट नहीं है बट आपके कुछ करेक्ट है. ध्रुव का, ध्रुव नहीं, नहीं ध्रुव. हरिओम, आपने जो आंसर दिया उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है. तो यू आर लाइक द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट गौतम हैज आंसर्ड.
नहीं 20 पॉसिबिलिटीज कैसे हैं अमन? अच्छा, 20 पॉसिबिलिटीज आफ्टर गिविंग दिस हिंट दैट टू आर पोलर एंड टू आर नॉन पोलर. ऑल राइट, खूब सारे आंसर आ गए एक साथ, काफी सारे आंसर आ गए. चलो ठीक है, सो लेट मी रिवील द आंसर्स. ए बी एंड सी आर नॉन पोलर वेयर एज डी एंड ई आर पोलर. कैसे? एट द फर्स्ट लुक इट माइट सीम सिमेट्रिकल टू यू, ये सब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स ही हैं, बट अब आप हर एक का स्ट्रक्चर नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा. पहले तीन आर एक्चुअली सिमेट्रिकल. कैसे? आप यहां पे नोटिस करोगे, इन केस ऑफ दीज टू मिथाइल ग्रुप्स दैट आर देयर, लाइक ये दोनों ट्राइपॉड सिमेट्रिकली रहेंगे, लाइक इनका जो डायपोल मोमेंट आएगा लाइक इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स और अपवर्ड्स, लाइक इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग ओनली. ठीक है, इवन इफ यहाँ पर ये 3D है ट्राइपॉड, यहाँ पर ये रोटेट कर सकता है, बट नेट डायपोल मोमेंट जो रहेगा इसका इट विल बी पॉइंटिंग डाउनवर्ड ओनली एंड इसका अपवर्ड ओनली एंड दे विल बी कैंसलिंग आउट. यहाँ पर कैसा रहेगा? कार्बन sp हाइब्रिड है तो ये लीनियर ही रहेगा इन द प्लेन ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल एंड दिस डायपोल मोमेंट्स विल अगेन बी कैंसलिंग आउट ईच अदर. यहां पर भी NO2 ये sp2 हाइब्रिड है तो अगेन बिकॉज ऑफ इट्स प्लेनर नेचर द डायपोल मोमेंट विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड ओनली बट इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग. हाउएवर इन केस ऑफ दीज OH एंड NH2 ग्रुप्स देयर आर लोन पेयर्स एंड ये लोन पेयर्स मामला खराब कर देंगे. So, यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट रहेगा इट कुड बी समथिंग रैंडम इन एनी रैंडम डायरेक्शन लाइक नॉट नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ द बेंजीन रिंग. ठीक है, एक ही पॉसिबिलिटी है जब ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो तब ये फिर भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो दैट इज हाईली इम्प्रोबेबल दैट ये दोनों OH ग्रुप एक दूसरे के मिरर इमेज हो. दे कैन बी इन एनी ओरिएंटेशन एंड बिकॉज ऑफ एनी ओरिएंटेशन पॉसिबल the likelihood of their dipole moments cancelling out is nil bata sannata, so they are not going to be cancelling out each other, the molecule will be polar. And same happens in the NH2 groups also, because of this lone pair the dipole moment is in random 3D direction not in the plane of the benzene molecule. Theek hai, so yahan par the explanation is that in case of A, B and C, the dipole moment of the group is upward or downward in the plane of the benzene ring and they cancel out. But in case of D and E option, the dipole moment is random 3D direction, not necessarily cancel out, and hence it is a polar case, polar molecule. Samajh mein? Aise hi socha tha Gautam tumne? गुड, चलो अच्छा है. तुम्ही को सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी पोलर नॉन पोलर की, आई थिंक अब यू आर सॉर्टेड. हाँ, आंसर देने की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो तो यार पीएनसी करनी पड़ेगी ना, लाइक इसमें ऐसा रहेगा ना, लाइक देर आर 5 पोजिशंस एंड देर आर 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स एंड उनको कैसे बिठा सकते हो, लाइक 2 factorial into 3 factorial ऐसा कुछ नहीं होता, मैं भी भूल गया एक्चुअली.
नहीं इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है, मतलब एक्चुअली ये सीट्स नंबर्ड है, ए बी सी डी ई, ये नंबर्ड है। तो फिर कैसा रहेगा? फाइव फैक्टोरियल बाय थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल, फाइव पी टू आएगा कि फाइव सी टू आएगा? पक्का? क्योंकि आपस में तो अरेंजमेंट मैटर कर सकता है ना। बोलो संदेश। नहीं सर गलती से हो रहेगा, सॉरी। एनीवेज ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा तो अभी नोटिस करना, आई एम गोइंग टू नाउ टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से फोकस करना। सो अभी तक वी वर यू नो कंपेयरिंग और वी वर टॉकिंग अबाउट एग्जांपल्स एंड सेइंग यू नो कौन सा पोलर होगा कौन सा नॉन पोलर होगा, राइट? बट मान लो अगर दो पोलर कंपाउंड्स हैं और उनके बीच में आपको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, कौन ज्यादा पोलर कौन कम पोलर, देन इट इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया पोलर होगा नॉन पोलर होगा, ये पोलर होगा। वाटर पोलर होगा नॉन पोलर होगा, पोलर होगा। SO2 पोलर होगा नॉन पोलर होगा, SO2 भी पोलर होगा, राइट? अब इनके बीच में किसका डायपोल मोमेंट कम होगा किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, अगर मैं आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा तो इट विल बी अ चैलेंज बिकॉज इट इज रियली डिफिकल्ट टू फाइंड अ सिंपल आंसर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कैसे और क्यों वो आप नोटिस करना, इसके लिए मैं तीन एग्जाम्पल्स साइट करूंगा to show you how difficult this is, how difficult it is to compare dipole moment in polar molecules. कैसे? तो सबसे पहले let's say मैं ये example highlight करता हूँ, HF, HCl, HBr, HI, ठीक है? इनमें मुझे dipole moment compare करना है। Now इनमें आप मुझे अगर dipole moment compare करना है तो मैं डायपोल मोमेंट के बारे में बात करूंगा कि डायपोल मोमेंट क्या होता था, Q into D, Q क्या होगा चार्ज, और वो चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर। तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू HCl, एज कम्पेयर टू HBr, एज कम्पेयर टू HI। हाउएवर ये डायपोल मोमेंट D पर भी डिपेंड करता है। D क्या है? बॉन्ड लेंथ, राइट? कितना डिस्टेंस है। अब यहां पर हाइड्रोजन और फ्लोरीन छोटे छोटे एटम्स हैं दोनों, उनके बीच का डिस्टेंस वर्सेस यहां पर हाइड्रोजन और आयोडीन, राइट? तो कहां पर डिस्टेंस ज्यादा होगा, हाइड्रोजन और आयोडीन के केस में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो अब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, राइट? बोथ द फैक्टर्स आर काइंड ऑफ अपोजिंग ईच अदर। अब हम जब एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट देखते हैं तो कैसा दिखता है? एक्सपेरिमेंटली व्हेन वी गेट द डायपोल मोमेंट वी फाइंड HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है। HF का डायपोल मोमेंट ज्यादा आता है तो हम लोग यहां से क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि मे बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर डोमिनेट कर गया, जिसकी वजह से ऐसा कुछ देखने को मिला, ठीक है? बट क्या ऐसा हमेशा होता है? द आंसर इज नॉट रियली। सो जैसे आप नोटिस करोगे CH3F और CH3Cl
इन दो के बीच में मेरा डायपोल मोमेंट, ये दोनों नॉन पोलर है ठीक है, CH3F भी नॉन पोलर है, CH3Cl भी नॉन पोलर है। अब इनके बीच में डायपोल मोमेंट कंपेयर करना चाह रहा हूं, तो इनके बीच में कैसा दिख रहा है कि डेल्टा ईएन के हिसाब से तो CH3F का ज्यादा होना चाहिए, पर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से CH3Cl का ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी, चार्ज भले ही कम रहेगा, यहाँ पे चार्ज ज्यादा रहेगा CH3F के केस में। बट एक्सपेरिमेंटली क्या देखने को मिलता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हमको देखने को मिला कि CH3Cl का ज्यादा है। तो यहां पर अब मैं क्या कंक्लूड करूंगा, यहां पर अब बिटवीन डेल्टा ई एंड बॉन्ड लेंथ मेरा कंक्लूजन निकलेगा कि यार मे बी बॉन्ड लेंथ डोमिनेट कर रहा है यहां पर, तो इट इज नॉट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट। तो यहां पर ही दिमाग में डाउट आया। अच्छा, इवन वर्स्ट, मतलब यहां पर देखो, इफ आई आस्क यू टू कंपेयर NH3 एंड NF3, नाउ NH3 और NF3 में, ठीक है, आप सोचोगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हिसाब से NF3 है, क्योंकि नाइट्रोजन फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन, राइट। एंड बॉन्ड लेंथ के बारे में भी अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो फ्लोरीन का साइज बड़ा है ना हाइड्रोजन के कंपेरिजन में, तो बॉन्ड लेंथ भी इसी को फेवर कर रही है। हाउएवर एक्सपेरिमेंटली जब डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया तो दोनों ही फेल हो गए, ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस काम आया ना बॉन्ड लेंथ काम आया। NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू NF3, एंड उसका जस्टिफिकेशन समझ में आया लोन पेयर के रोल से, कि यहां पर एक्चुअली जो NH के डायपोल मोमेंट है उनमें लोन पेयर एडअप कर रहा है, वर्सेस यहाँ पे जो NF के डायपोल मोमेंट है उसमें लोन पेयर काइंड ऑफ कैंसिलेशन का रोल प्ले कर रहा है, लाइक कंप्लीटली कैंसिल नहीं कर रहा है बट इट इज रिड्यूसिंग द डायपोल मोमेंट। तो यहां पर लोन पेयर का रोल डोमिनेटिंग हो गया। तो इन तीन एग्जाम्पल्स है, ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना, दीज आर क्रूशियल एग्जाम्पल्स, रट्टा मारना इन एग्जाम्पल्स का आपको। ये तीन ऐसे एग्जाम्पल्स हैं विच आर हाईलाइटिंग यू द फैक्ट दैट कंपेयरिंग डायपोल मोमेंट अमंग पोलर मॉलिक्यूल्स इज डिफिकल्ट। कब कौन सा फैक्टर कहाँ डोमिनेट कर रहा है ये हम लोग इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज व्हेन इफ यू आर गेटिंग सर्टेन क्वेश्चन लाइक दिस, कंपेयर डायपोल मोमेंट बिटवीन सच मॉलिक्यूल्स, लाइक वी रियली डोंट हैव एन आंसर, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंडिंग दिस कि हम लोग डायपोल मोमेंट कंपेयर नहीं कर सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, बट वी कैन स्टिल आंसर सर्टन क्वेश्चंस जहां पे सिमिलर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, राइट। तो यहां पर आई कम टू दिस कंक्लूजन दैट इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर डायपोल मोमेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन अ सब्जेक्टिव मैनर, मेनी फैक्टर्स लाइक डेल्टा ई एन, ज्योमेट्री, बॉन्ड लेंथ, लोन पेयर, ये सब रोल प्ले कर रहे हैं, तो इट इज नॉट रियली दैट इजी। हाउएवर आई कैन स्टिल डू कंपेरिजन्स इन सम फेमिलियर सिनेरियोस। फॉर एग्जाम्पल, लेट से इफ आई आस्क यू टू कंपेयर डायपोल मोमेंट बिटवीन ऑर्थो क्लोरोबेंजीन एंड मेटा क्लोरोबेंजीन एंड पैरा, तो चलो जीरो है, तो पैरा तो इजी हो गया कि इसमें तो डायपोल मोमेंट है ही नहीं, बट ऑर्थो और मेटा में किसका डायपोल मोमेंट कम, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, बताओ।
राइट कृष्णा, राइट गौतम, नहीं ईशान आपका करेक्ट नहीं है, हाँ राइट सर्वेश, अरे पैरा तो जीरो है अमन, तुम क्या कर रहे हो, मैं तो ओर्थो और मेटा के बीच में कंपेयर करने के लिए कह रहा हूँ, हाँ राइट राइट अमन, ऑलराइट, सो इसमें अब हम कैसे आंसर कर सकते हैं, इसमें अब आप नोटिस करना, वी विल बी एबल टू आंसर यूजिंग सिंपल वेक्टर सम, कैसे, यहां पे आप नोटिस करो, अब इन दिस केस ऑर्थो में राइट, यहां पे ध्यान से नोटिस करना, ये म्यू वन है और ये म्यू वन है और इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है, अच्छा नहीं इनफैक्ट सॉरी, आप सब लोगों ने गलत आंसर दिया, मैं खुद उसको सही मान रहा था, ऑर्थो का डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा क्योंकि यहां पर अब अगर मैं वेक्टर सम करूंगा तो वो कितना आ जाएगा रूट थ्री म्यू वन, राइट, म्यू वन स्क्वायर प्लस टू म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा, ठीक है, कॉस 60 डिग्री रहेगा, यहां पर दिस विल बी म्यू वन, दिस विल बी म्यू वन एंड इनके बीच का एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री, तो यहां पर जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो म्यू वन ही रहेगा, राइट, कॉस 120 डिग्री विल बी माइनस हाफ, तो यहां पे मेरा डायपोल मोमेंट ऑर्थो में ज्यादा रहेगा, मेटा में कम हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे दोनों नॉन पोलर थे बट स्टिल आई वाज एबल टू डू कंपैरिजन बिकॉज ऑफ अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, आई वाज एबल टू यूज दिस लॉजिक, तो एकदम रैंडम मॉलिक्यूल्स लाइक NH3H2 इनके बीच में कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे बट इन केसेस में हम फिर भी थोड़ा सोच सकते हैं, समझ में आया, किसी को डाउट है इसमें, एनीथिंग यू वुड वांट टू आस्क एंड अंडरस्टैंड लेट मी नो, ऑलराइट, देन लेट्स कंपेयर दीज टू एग्जांपल्स, टॉलुइन और क्लोरोबेंजीन में किसका डायपोल मोमेंट कम, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, टॉलुइन और क्लोरोबेंजीन में, हाँ करेक्ट, क्लोरोबेंजीन का ज्यादा रहेगा, अच्छा सॉरी, ये वाला एग्जांपल एक्चुअली इस तरीके से था, ठीक है, वैसे तो क्लोरोबेंजीन का ज्यादा रहेगा, वो चीज तो ठीक है, बट इन दोनों में एक्चुअली अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो इसमें
CH3 CH3 दोनों में सेम है. क्लोरीन हाइड्रोजन में एक्चुअली क्लोरीन विल बी एडिंग टू द डाइपोल मोमेंट ऑफ द मिथाइल ग्रुप, whereas हाइड्रोजन हेयर वुड बी अपोजिंग इट. राइट, तो यस वी कैन कम टू दिस कंक्लूजन दैट यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट अपन ट्राई करते हैं. इन तीन के बीच में कंपेयर करके दिखाना मुझे. ये तीन आइसोमर्स का डाइपोल मोमेंट, किसका कम किसका ज्यादा. All right. So, हाँ गौतम आपका आंसर करेक्ट है. अगेन पहले आपने गलत दिया फिर सही करा. ओके ऑल राइट. सो यहाँ पर अब आप नोटिस करो किस तरीके से आंसर देना. ये सबसे राइट मोस्ट वाला जो था लाइक इसका तो डाइपोल मोमेंट जीरो रहेगा. Right, this will be non-polar only. First and second are both polar. But first or second में अब आप नोटिस करना ये कार्बन के अराउंड 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है. राइट, और क्लोज टू 120 डिग्री आई वुड से. राइट, यहां पर ये जो डायपोल मोमेंट आ रहा है देखो, हाइड्रोजन कार्बन का से म्यू वन है और कार्बन क्लोरिन का से म्यू टू है. तो along this direction तो they add up and along this direction they also add up. But अब इनके बीच का जो angle है वो 60 degree आएगा. ठीक है, this comes out to be 60 degree. ठीक है, whereas in this case the angle comes out to be 120 degree. ये समझ में आया आपको? तो अगेन द वेक्टर सम हेयर वुड बी ग्रेटर. राइट, लेट मी इनफैक्ट शो यू ओवर हेयर अगेन.
ठीक है, ये अपन ऐसे मान के चलेंगे, ठीक है, ये कितना एंगल रहेगा, दिस विल बी 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर आप नोटिस करना, ये एक वेक्टर रहेगा 60 डिग्री के एंगल पर, राइट। फिर ये वाला कितना रहेगा एंगल, ये भी 60 डिग्री रहेगा, राइट। तो ये एक और वेक्टर रहेगा एट 60 डिग्री का एंगल, राइट। तो इनके बीच का एंगल कितना बचा, 60 डिग्री ओनली। समझ में आया? यहां पर यू विल नोटिस, राइट, ये एक वेक्टर रहेगा अलोंग दिस डायरेक्शन 60 डिग्री, एंड ये दूसरा वेक्टर रहेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और ये भी 60 डिग्री है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ठीक है, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल गाइस? ठीक है, तो ऐसे कुछ केसेस जहां पर आप थोड़ा ज्योमेट्री से फिगर आउट कर सकते हो आर समवेयर वेयर यू कैन कंपेयर द डायपोल मोमेंट्स, ठीक है, अदरवाइज इट बिकम्स अ बिट टीडियस। ठीक है, नाउ लेट मी टेक वन मोर सेट ऑफ एग्जाम्पल, and this is more like trying to remember, so ये थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बोलूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा आपसे कि आप याद में रखो। All right, so let's say I'm asking you to compare dipole moment between CH3I, CH2I2 and CHI3. कैसा रहेगा डाइपोल मोमेंट? So carbon, iodine, and you have 3 hydrogen. वर्सेस यहां पर कार्बन हाइड्रोजन एंड ये 3 आयोडीन है। ठीक है, बट डेफिनेटली यहां पर थोड़ा सा आप ये चीज मान के चलो कि ये हाइड्रोजन एटम्स तो कैसे थे, छोटे थे, ठीक है, बट दीज आयोडीन एटम्स आर बल्कियर। So they would tend to cancel out each other more. ठीक है, यहां पर इन तीनों का, ठीक है, अगर मैं ये मान के चल रहा हूं, ठीक है, आयोडीन का से μ1 डायपोल मोमेंट मान के चल रहा हूं मैं, और इन तीनों हाइड्रोजन का अगर मैं वेक्टर सम लेना चाह रहा हूं, राइट, तो यू कैन सेफली से दैट दिस विल बी से ऑलमोस्ट μ2 इफ आई टेक ईच डायपोल मोमेंट टू बी μ2 कार्बन हाइड्रोजन का, तो आई कुड से दैट इट विल बी पॉइंटिंग अपवर्ड with μ2 dipole moment,
राइट एंड इसमें like this will be mu2 and these individual will be mu1 ठीक है but because यहां पर angle has increased तो इनके बीच में cancellation ज्यादा होंगे तो इसका जो net dipole आएगा this will be less than mu1 because the angles have increased like imagine the tripod ye tripod mein yahan par jab ideal angles the almost 109 degree ke to ye sab aapas mein vector sum mu1 add karke upar ki taraf chale jate the but yahan par like in teen ka ab ye angle badh jayega to inka jo cancellation rahega that would increase in the sense that the net dipole moment will be something lesser than mu1 to yahan se what I am getting as an intuitive guesswork theek hai although ye bhi itna acha explanation nahi hai matlab I completely agree if you are scratching your head that this is not really the best of the explanations but a broad understanding of dipole moment ka trend kuch is tarike se samajh mein aata hai theek hai ab isi tarike se yahan pe aap notice karna chi3 chbr3 chcl3 and CHF3 ठीक है इनके बीच में मैं अब कंपैरिजन कर रहा हूं अगर तो इसमें यहां पर बेस्ड ऑन डेल्टा EN ठीक है मेरा एक जनरल ट्रेंड कैसा रहेगा कि फ्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा है as compared to chlorine as compared to bromine as compared to iodine to mera dipole moment yahan par zyada hoga theek hai and isi tarike ka trend will get replicated to jaisa aap yahan pe notice karna if I talk about ch2 br2 ch2 cl2 CH2F2 तो उसमें भी ऐसा ही ट्रेंड रेप्लिकेट कर रहा है कि ये इनसे ज्यादा है ठीक है CH3Br CH3Cl एंड CH3F इनमें भी ये ऐसा ही ट्रेंड रेप्लिकेट कर रहा है ठीक है बारिंग वन एक्सेप्शन जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले हाईलाइट करा था दिस वन CH3F in this case comes out to be lesser than CHCl3. अच्छा लेफ्ट टू राइट भी हम लोग जब जा रहे थे डायपोल मोमेंट कम हो रहा था ये आयोडीन वाले रो में वैसे ही ब्रोमीन वाले रो में भी होगा वैसे ही क्लोरीन वाले रो में भी होगा ठीक है क्लोरीन वाले रो में भी वैसा ही होना चाहिए था बारिंग वन एक्सेप्शन दैट कम्स ओवर हियर बिटवीन CH3F एंड CH2F2 ठीक है नाउ विदाउट एनी हेजिटेशन एंड विद कंप्लीट बेशर्मी आई एम आस्किंग यू टू रेक्टिफाई दिस ठीक है बिकॉज यहां पर इफ यू ट्राई टू गो अबाउट एक्सप्लेनिंग कि ऐसा क्यों वैसा क्यों इट बिकम्स अ मेस
we are not really able to identify exactly how to come up with this explanation, but for some reason, पता नहीं मुझे भी समझ में नहीं आता वो, but for some reason जब अपन ऐसे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ते हैं बॉन्डिंग एट्सेट्रा के ऊपर, तो ये जो सॉल्वेंट्स हैं इनका मतलब दीज आर एक्चुअली सम सॉल्वेंट्स ओनली, इन सब का डिस्कशन रहता है, मतलब यू विल फाइंड सच डायपोल मोमेंट का कंपेरिजन्स. सो अलॉन्ग विद दोज थ्री एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको यहाँ ऊपर याद रखने के लिए बोला था, कहाँ गया, एक तो ये था एच एफ एच सी एल एच बी आर एच आई का, एक सी एच थ्री एफ सी एच थ्री सी एल का, और एक एन एच थ्री एन एफ थ्री का. ये तीन एग्जाम्पल तो मैंने आपको बोला है कि ध्यान रखना है. उसके अलावा ये एक और एग्जाम्पल रहेगा, ये मेट्रिक्स रहेगा काइंड ऑफ विच हैज अ वेरी कॉमन सेट ऑफ आंसर फॉर मोस्ट ऑफ द कंपेरिजन्स लेफ्ट टू राइट एंड like top to down, यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं barring these two exceptions. ठीक है, अब आप इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने जाओगे कि क्या reason है कैसा reason है तो confusion ही होता है. मतलब I have spent many times ऐसे half of hours discussing with students and wasting time, but it doesn't come of any good use in these cases. Just I would request you to remember these examples. ठीक है, इसको इजी बनाने के लिए मैंने आपको ये इस मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाया ताकि ट्रेंड दिखे आपको कि लेफ्ट टू राइट कम हो रहा है, टॉप टू डाउन कम हो रहा है, बारिंग दीज टू एक्सेप्शंस. ठीक है, तो इस तरीके से यू वुड बी एबल टू नाउ आंसर मेनी क्वेश्चंस इन द बुकलेट रिलेटेड टू डायपोल मोमेंट. मैं आप लोगों को होमवर्क शेयर कर दूंगा. अब बॉन्ड पैरामीटर्स तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूँ, जहां पर हम लोग बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनका आंसर्स कर पाएंगे. ठीक है, आई वॉज होपिंग कि आप लोग होमवर्क करके आओगे तो हम लोग कुछ डाउट डिस्कशन कर पाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट बीन एबल टू डू द होमवर्क. But that will not stop me from giving you more homework. So I will be sharing more homework based on what we have studied today. And then, do you guys have time on Wednesday? That is tomorrow. If I can keep a small session for discussion. But aap log homework karoge tabhi to discussion ka sense banega. Achha, ye bhi kaafi tight hai. ठीक है, चलो फिर देन नेक्स्ट वीक ही कर लेते हैं. मैं होमवर्क तो दे देता हूँ आप लोगों को, आई विल शेयर दैट होमवर्क विद यू, बट उसका फिर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीक ही कर पाएंगे. ठीक है, ऑल राइट. नेक्स्ट वीक आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट एमटी प्रिपरेशन. अब आपका एक महीने बाद नहीं, कब है एमटी का डेट क्या आप लोगों का मेजर टेस्ट का? 13 फरवरी. हाँ ठीक है, तो आज से एक हफ्ते के बाद में इट विल बी ऑलमोस्ट अ मंथ. तो एक महीने पहले से एमटी का यू नो प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए. एंड किस तरीके से करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, सो दैट यू गाइज आर वेल अवेयर इन टर्म्स ऑफ हाउ टू प्रोसीड, हाउ टू मैनेज योर टास्क. ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है. एनी क्वेश्चंस गाइस? हाँ बोलो हर्ष. सर आप समझा सकते हो CH3Cl नॉन पोलर क्यों है? नहीं नहीं, सब पोलर ही है यहाँ पे सर. सर सॉरी, ये नहीं, ऊपर जा सकते हो CCl3H, ये वाला नहीं नहीं सर. और वो आपने ऊपर के तीन एग्जांपल्स आपने, हाँ सर ओके सर, ये इसमें आपने बोला था ये जो CCl CH3 Cl, आपने इनको नॉन पोलर बोला था? नहीं नहीं नहीं, दोनों पोलर ही हैं. अच्छा ओके, लगता है ठीक है. बोलो सर. विश
लास्ट लेक्चर में आपने C6H12 को नॉन पोलर बोला था ना, वो VSEPR से मेरा आया बट VBT से नहीं हो रहा। कौन सा C6H12 नॉन प्लेनर, प्लेनर C6H12 नॉन प्लेनर लास्ट वीक लास्ट लेक्चर में। हां हां तो नॉन प्लेनर है ना वो। हां वो VSEPR से हो रहा है बट VBT से मेरा नहीं हो रहा। VBT से VBT से तुम कैसे बता पाओगे? मतलब तुम ये ऐसे ही सोचो ना, इसमें VSEPR से हो गया मेरा। अरे तो VBT से भी होगा ही सही ना, मतलब सबके अराउंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनानी है ना। हां तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है, दिख रहा है तुमको? हां बट वो जो जो पाई बॉन्ड्स वो सबसे मतलब कॉम्प्लेक्स जा रहा है। नहीं पाई बॉन्ड तो है ही नहीं ना इसमें, सब सिग्मा बॉन्ड ही है। सिग्मा बॉन्ड्स, हां ओके ओके, हां हां समझा। ओके मैं क्या गलती कर रहा था समझ में। ठीक यस सॉरी। ऑलराइट हाँ बोलो कृष्णा क्या। बेंजीन रिंग के पर टू CH3 ग्रुप अटैच है तो उसको टोलुइन पे क्या, समझ में नहीं आया क्या बोला। बेंजीन रिंग पे दो CH3 ग्रुप अटैच हो तो उसको टोलुइन पर 1 CH3 अटैच कंसिडर करेंगे या बेंजीन, ठीक है ना एक ही चीज है। मतलब सब नोमेनक्लेचर वाला चीज है वो सब, बाकी तुम समझ ही गए ना। ठीक है ऑल राइट गाइस, चलो देन वी विल मीट नेक्स्ट वीक। आई विल शेयर द होमवर्क एंड द रिकॉर्डिंग्स। थैंक यू।